हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये बिगनर ग्लैम मेकअप लुक। सो स्पेशली मैंने ये मेकअप लुक बिगनर्स के लिए क्रिएट किया है। बहुत ही इजी है बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा ग्लैम है। एंड अगर आप टीनेजर्स हो, आप कहीं डेट पे जा रहे हो, आप किसी पार्टी में जा रहे हो एंड आप लिटिल बिट ग्लैम चाहते हो, सो आप ये लुक बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो। एंड लुक एट दी आई मेकअप गाइज, बहुत ही ग्लैम टाइप ऑफ आई मेकअप है। आपको देखने में लग रहा हो कि ये बहुत ही मुश्किल है बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी मैंने ये लुक क्रिएट किया है। एंड आपको आई मेकअप में थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये बिगनर फ्रेंडली ग्लैम मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही चुन चुन के वीडियो लाते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल और एंड आप लोगों को अच्छा लगे। सो आप लोग भी थोड़ा प्यार दिखाइए एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाइए। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली आपको अच्छे से अपने फेस को प्रेप करना है मेकअप के लिए। सो फर्स्टली हम करेंगे यहाँ पे अपने फेस को अच्छे से क्लीन। ऐसे मैंने फेस वॉश कर लिया था बट टोनर की हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ मैंने एक कॉटन लिया है। सो आपको भी अपने फेस को अच्छे से प्रेप करना है, अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करना है। नेक्स्ट मैं करूँगी अपने फेस को मॉइस्चराइज। उसके लिए मैंने यहाँ लिया निविया सॉफ्ट क्रीम, उसे मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन अच्छे से अपने स्किन में ब्लेंड कर लूँगी। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें एंड ऑयली है तो आप एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइज़र स्किप ना करें। देन मैं यहाँ ले रही हूँ रोज़ हिप सीरम। ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम है एंड इसे मैंने हल्का सा अपने पाम पे लेके अपने फेस में पुश करके अप्लाई किया है। इससे बहुत ही सटल सा ग्लो आ जाता है एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बहुत ही अच्छा है इसे अप्लाई करना, आप ज़रूर अप्लाई करें इसे। देन अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। देन हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। सो फर्स्ट हम करेंगे अपने फेस को अच्छे से प्राइम। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट ब्लर प्राइमर लिया है एंड ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्राइमर है गाइस एंड मेरा फर्स्ट प्राइमर है आप लोगों को पता हो तो। सो फाउंडेशन के लिए हम यहाँ ले रहे हैं मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, मेरा चाहिए 220। इसे हम डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लेंगे एंड इसमें मैंने हल्का सा एलोवेरा जेल भी मिक्स किया है जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है अपने वीडियोज़ में। एंड इसे मैं एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी एंड आप ब्लेंडिंग या तो सर्कुलर मोशन में करें या तो डाउनवर्ड मोशन में करें ब्रश की हेल्प से। सो मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। आप अगर बिगनर हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अपने नेक एंड ईयर को बिल्कुल ना भूलें, उसे भी कवरअप करें। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे लिया सिस ब्यूटी का कंसीलर एंड आपको लिटिल बिट अप्लाई करना है अपने इनर कॉर्नर में एंड लिटिल बिट अपने आउटर कॉर्नर में। इससे आपके प्रोडक्ट्स भी बचेंगे एंड हैवी नहीं लगेगा आपके अंडर आइज़ में या जहाँ कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो। लिटिल बिट अप्लाई करो एंड उसी जगह पर ब्लेंड करो, आपको फैलाना नहीं है, उसी जगह पर ब्लेंड करना है। इससे आपका फेस ऐसा वाइट वाइट सा नहीं दिखेगा, जहाँ आपको हाईलाइट करना है आपको वहीं ब्लेंड करना है। सो या आप देख सकते हो मैं इसे फैला नहीं रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट लिया है एंड इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अगर आप सेट नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बट लिटिल बिट मैं कर रही हूँ, बहुत ही लिटिल बिट कर रही हूँ। देन अपने इन अंडर आइज़ को ज़रूर आप अच्छे से सेट करें जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया है, क्योंकि अंडर आइज़ में बहुत जल्दी क्रीज पड़ती है, तो मैं उसे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे NYP का ये कॉन्ट्रोल स्टिक ले रही हूँ, इसमें शेड है टॉफी एंड उसे मैं अपने हॉल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्टली मैं ड्रॉ कर रही हूँ
अपने फोरहेड पे, ऑल ऑफ द चिक्स पे, जॉ लाइन पे एंड ऑल्सो अपने नोज पे। एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अपवर्ड मोशन में ऊपर की तरफ, आप देख सकते हो मैं इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। सो आपको भी अपने ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, नीचे की तरफ नहीं करना है। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ब्लेंड हो रही है। एंड जब भी आप ब्लेंड करें तो आप अपने हेयर लाइन से ज्वाइंट करते हुए ब्लेंड करें, इससे एक अजीब सा मास्क जैसा नहीं दिखेगा, सब कुछ ब्लेंडेबल दिखेगा एंड अच्छा दिखता है। सो आप देख सकते हो। देन मैं अपने जॉ लाइन पे भी ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्लेंडिंग पे अच्छे से आप फोकस करें क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं SFR कलर्स का ये ब्लश कॉन्टोर हाईलाइटर पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैंने ब्रॉन्जर शेड लिया है एंड उससे मैं अपने कॉन्टोर को सेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ क्रीम कॉन्टोर किया था। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट्स की हेल्प से भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपने पाउडर को डस्ट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक उसे छोड़ दोगे ना तो वो ड्राई सा हो जाता है, पैची सा हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्ट्रेकर की के मिनी लिपस्टिक सेट में से ये पिंक सा शेड, इसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जो क्रीम प्रोडक्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आप क्रीम प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करो क्योंकि उससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है ब्लेंड करने में। देन हम करेंगे अपने आईब्रो को फिल। सो उस पहले मैं स्पूली की हेल्प से उसे अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। उसके बाद आप कोई भी डार्क ब्राउन शेड लेके एंड डार्क ग्रे शेड भी आप ले सकते हो, ग्रे शेड की हेल्प से भी अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो। सो फर्स्टली आपको अपने आईब्रो को आउटलाइन करना है, आप देख सकते हो अपर साइड एंड लोअर साइड से इसे आउटलाइन करना है। देन जो मिडिल पार्ट है उसे आपको अच्छे से फिल इन कर लेना है। सो ईजी गाइज। एंड जो भी प्रोडक्ट आपके ब्रश पे लेफ्ट है उससे आपको फ्रंट पार्ट पे अपर साइड में इसे अप्लाई करना है। देन स्पूली की हेल्प से अगेन इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड प्रोडक्ट भी इक्वली स्प्रेड हो जाए आपके आईब्रो में। आप देख सकते हो आईब्रोज बहुत अच्छे लग रहे हैं। देन मैंने कंसीलर लिया है एंड उसे अपने आईलेट पे अप्लाई कर रही हूँ एज अ आई बेस। सो अगर आपको आई शेडो की अच्छी पिगमेंटेशन चाहिए तो आप कंसीलर ज़रूर अप्लाई करें या फिर आपके पास आई शेडो प्राइमर है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसे सेट कर ले अच्छे से। देन मैंने ये स्विस ब्यूटी के विंकी पैलेट में से ये मरून शेड लिया है, आप देख सकते हो। एंड आपको एक पेंसिल ब्रश लेना है या फिर एक फ्लैट ब्रश लेना है एंड एक लाइन ड्रॉ करना है अपने क्रीज में जैसा कि मैंने किया है। देन आपको कोई भी लाइट सा शेड लेना है, मैंने यहाँ पे पिंक एंड पीची शेड लिया है एंड उसकी हेल्प से आपको उस लाइन को अच्छे से अपने क्रीज में ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग है इस आई शेडो पैलेट की। देन आपको एक स्मॉल ब्रश में एक डार्क मरून शेड लेना है, उसे अपने आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर प्लेस करना है। ये बहुत ही इजी मैटर है, अगर आपको नहीं आई शेडो लगाना आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको एक कलर अप्लाई करना है फिर दूसरा कलर अप्लाई करना है, ऐसा नहीं करना है। देन एक अच्छे से एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है एंड सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि आपका जो आई शेडो हो वो बहुत ही अच्छा दिखे, ब्लेंडेबल दिखे, कोई भी एजेस ना दिखे। देन कोई भी शिमरी शेड आपकी पसंद का, मैं यहाँ पे सेम मरून शिमरी शेड ही ले रही हूँ एंड उसे अपने मिडिल ऑफ द आईलिड पे प्लेस कर रही हूँ। सो आप अपने पसंद का कोई भी शिमरी शेड ले सकते हैं एंड उसे अपने मिडिल आईलिड पे अप्लाई कर सकते हो। सो इस लुक का मैं थोड़ा ग्लैम लुक देने के लिए यहाँ अप्लाई कर रही हूँ HR का ये ग्लिटर आईलाइनर एंड उसे मैं अपने सिर्फ जो होते हैं ना हाफ कट क्रीज जो करते हैं हम लोग हेलो आइज में, सो बस उतना ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने आईलिड पे। देन हम अप्लाई करेंगे आईलाइनर। सो मैं अगर आपको एक अच्छा सा ग्लैम लुक चाहिए तो आप एक स्ट्रॉन्ग विंग आईलाइनर ड्रॉ करें। सो आप देख सकते हो मैं भी एक फुल विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, बट मैं थिक आईलाइनर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं थिन आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। सो यार डन हो चुका है हमारा आई मेकअप। देन अब हम बढ़ेंगे अपने लोअर लैश लाइन की तरफ। सो सेम कलर को, सेम मरून शेड को आपको नीचे अप्लाई करना है एंड देन सेम पिंक एंड पीची शेड से उसे ब्लेंड कर लेना है।
देन मैंने यहाँ पे ये वाइट काजल अप्लाई किया है, ये एम्स्टरडैम का है, इसकी पिगमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है। देन आपको अप्लाई करना है मस्कारा ताकि आपके जो फॉल्स लैसेज हैं और रियल लैसेज है वो आपस में मिक्स हो जाए, ऐसे अलग सा ना दिखे। देन मैं लिटिल बिट अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लैस लाइन पे ताकि, क्योंकि ये ग्लैम लुक है तो थोड़ा हैवी लुक आना चाहिए। देन मैंने सेम पैलेट से ये शैम्पेन शेड लिया है, सो इसे मैं अपने चिक बोन्स पर अप्लाई कर लूँगी। एंड इस पैलेट के सिमिलर शेड्स की भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, सो आपको बोन्स पे अप्लाई करना है, आप देख सकते हो, ताकि वो अच्छे से दिखे। एंड नोज़ पे भी आपको टिप ऑफ द नोज़ एंड ब्रिज ऑफ द नोज़ पे अप्लाई करना है, ऐसे एक लाइन नहीं खींच लेना है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देन आपको फोरहेड पे भी अप्लाई करना है, लिटिल बिट अपने चिन पे एंड अपने लिप्स पे भी। देन आपको अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई करना है ताकि जो आपकी आईज है वो थोड़ी सी बड़ी दिखे, बड़ी सी दिखे, खुली खुली सी। देन अपने आपको अप्लाई करना है अपने ब्रा बोन पे। सो लिपस्टिक के लिए मैंने यार टू ऑप्शन रखे हैं, फर्स्ट है ये न्यूड सा शेड जो कि शेड नंबर है 24, ये भी स्ट्रेकर की के मिनी लिपस्टिक शेड सेट में से ही है। सो या दिस इज़ द फाइनल लुक। सो आपको ये लुक कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड सेकेंड ऑप्शन भी है लिपस्टिक का जो कि बहुत ही बोल्ड सा है, सो आप बता सकते हो कि आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है। तो सेकेंड ऑप्शन है ये डार्क मरून शेड, सो इसका शेड नंबर है 40। सो आपको जो भी लिप कलर पसंद आता है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आप लोग को ये लुक पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गाइज, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, तो थोड़ा प्यार दिखाइए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दीजिए एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। सो मिलते हैं।